संत शिरोमणि रविदास जी की 646वीं जयंती पर महाकाल की नगरी उज्जैन में कई आयोजन हुए, जिसके अंतर्गत नगर में चल समारोह निकाला गया। वहीं 2121 दीपों के साथ माँ शिप्रा तट स्थित संत रविदास घाट पर समरसता महाआरती का भी आयोजन किया गया। सर्व रविदास अनुयायी समाज परिषद मध्य प्रदेश उज्जैन द्वारा माँ शिप्रा तट स्थित संत रविदास घाट पर 2121 दीपो उत्सव के साथ समरसता महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें संत श्री किशनदास जी महाराज पीठाधीश्वर गुरु गांधी वृंदावन पूरा अवधेश धाम के पीठाधीश्वर परमहंत संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, मुकेश दिशावल, ओम प्रकाश मोहने व सामाजिक समरसता के प्रबुद्ध वर्ग एवं हजारों सामाजिक गण और हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग शामिल हुए। उज्जैन से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हम एक उम्र पर चारों वर्ण, यानी अभी की दृष्टि से अगर कहा जाए तो जनरल एससी एसटी ओबीसी हम सबको उठा लेंगे, राइट। आज और हम एक साथ बैठ करके सबको भोजन कराना चाहते हैं, हम एक स्थान पर सबको स्नान कराना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बात मानी। अब महापौर जी नहीं बोलेंगे, अरे ऐसा ना माए। महापौर जी अब बहुत सुंदर वाक्य, इनकी भी बात ध्यानपूर्वक सुने। जय श्री महाकाल। संत गुरु रविदास जी के पावन जयंती के अवसर पर गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम नमन, माँ शिप्रा को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव श्री अवधेशपुरी महाराज जी, श्री किशनदास जी महाराज जी, हम सबके मध्य में पधारे श्री आदरणीय मुकेश दिशावल जी और इस कार्यक्रम के आयोजक ओम प्रकाश मोहने जी, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष मनोज मालवीय जी और उपस्थित सभी जनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज हम सब गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए शिप्रा के तट पर रविदास घाट पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और कुछ कुछ हो गया तो वो भूख भी एक घंटे के लिए विदा हो गई। तो रविदास जी महाराज ने श्री स्वयं पर केंद्रित किया मनुष्य को कि तू ज्यादा मत भटक, ज्यादा इतना टेंशन मत ले, होने वाला कुछ नहीं। तो इसलिए सब काम करते हुए सिर्फ मन में, अपने मन में पवित्रता बना के रखना है और कुछ कोई गलत खान पान हो वो भी हमारे हिसाब से अब वो योग नहीं रहा। पहले जो हुआ बहुत पवित्र मन कर लीजिए, आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। देखो पुलिस को उसकी आवश्यकता पड़ती है, देखो बुरे काम करेंगे, कोर्ट कचहरी वकील को उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो आप मन को इतना पवित्र बना लोगे तो रविदास महाराज ने कहा, मोहे जम दंड न लागई तजीले सरब जंजाल, उरवार पार के दानिया लिखले आल पताल। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गाथा, हाड़ मांस खाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, कितना गूढ़ शब्द बोला। और आज उस समय रविदास जी महाराज ने बोला तो ये किसी जाति के लिए नहीं बोला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।